जोरदार तालियां सीताराम जी के लिए दी। मंच तो पूरा भरा पूरा है, हमारे रघुनाथ भाटी जी से लेकर गोपाल इंजीनियर तक, क्या गोपाल जी भी है, जोरदार ताली बजाओ। ये बहुत सारी सभाएं चल रही है आज इस अवसर पर। हमारे जामुन सील चौकी, मुझे यार ये बात ही समझ में नहीं आती है, जब भी आता हूं तो काम पहले होता और बाद में बोलना पड़ता। जोरदार ताली बजाओ अपनी बुधनी विधानसभा के भाग्य के लिए। ये जामुन सील रोड का बात आई है और ये मंजूर हो गया भैया, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारी बुधनी का काम करने का तरीका, जनता की डिमांड के आधार पर 24 घंटे अहरनिश जनता के लिए काम करने की जो पहचान है, ये 230 विधानसभा में हमारे लिए सबसे महत्व की विधानसभा है, बुधनी विधानसभा है। मुझे आपके साथ रहकर के इस बात का सुख है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, जो भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री भी है, जोरदार अभिनंदन करो उनके साथ। लंबा समय बुधनी के बीच गुजारते हुए भी आज भी सांसद के नाते से आज भारत सरकार में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आज अपनी बुधनी सहित पूरी लोकसभा को गौरवान्वित कर रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब यहाँ चुनाव की बेला में बात कर रहा हूं, तो चुनाव की बेला में हमको ये बात भी करना पड़ेगी कि चुनाव में वोट मांग रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए विकास का एजेंडा भी सामने रखेंगे। हमारे अलावा कांग्रेस वाले भी आएंगे, कांग्रेस वालों से भी आप बात पूछना कि कांग्रेस वाले भाइयों, आपको भी आजादी के बाद 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लगभग 55 साल तक तुम्हारी सरकार रही, ये भाजपा की सरकार 20 साल वाले, ये दिन में भी बिजली जला रही है, आनंद हमारे बीच में अगर है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कारण से। माइक पे बोल रहा हूं, कोई इन्वर्टर नहीं, कोई बैटरी नहीं, सीधे सीधे काम हो रहा है। गांव के अंदर 24 घंटे लाइट मिल जाए, असंभव था कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेसी दो ही कान पकड़ के 10 बार बैठक उठक करे तो भी माफ नहीं हो, इतने पाप करे उनने हमारे बच्चों के लिए। अगर समय पे बिजली मिल जाती, समय पे सड़कें बनती, विकास का ये वातावरण होता, तो हमारे कई परिवारों से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कितने लोग निकलते। ये सारा कलंक का ठीकरा अगर किसके माथे पे है, वो कांग्रेस पार्टी के माथे पे। मुझे इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं, कांग्रेस के इतने पाप, जितने उनने बुरी बातें करी, मैं तो बड़े आश्चर्य से देखता और बोलता भी हूं। हमारे बारेला समाज के लोग बैठे, बताओ आपने समाज के लोगों के लिए एक स्कूल में शिक्षक, कॉलेज में थे कि स्कूल में, सुमेर सिंह जी कॉलेज में शिक्षक थे, इनको उठा करके सीधे सबसे बड़े सदन राज्यसभा में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमें इस बात की खुशी है। स्कूल में हो या कॉलेज में, शिक्षक का क्या महत्व है, समाज को कैसा मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं मालूम बारेला समाज से कोई सांसद बनाया पहले, क्यों केवल वोट लोगे, केवल झूठ बोलोगे। ये पाप हमेशा आदिवासी भाई बहनों के साथ कांग्रेस करती रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आज देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के ऊपर भी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजा नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो कहते नहीं है करके दिखाते हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। कांग्रेस के लोग केवल बोलते रहे, आदिवासी जनजाति के साथ अनुसूचित जाति के लिए बोलते रहे, लेकिन जब भी बड़ा पद का मौका आया ओबीसी की बात करते रहे, लेकिन कभी भी मौका आया तो अपनी गर्दन के नाप के अलावा किसी को पसंद ही नहीं आया उनके। एक ही खानदान में सारे पद घुसे रहे, छह पीढ़ी हो गई, कोई नेता ही नहीं दिखता हूं, और सब फ्यूज बल्ब है, दम ही नहीं है उसमें, अब तो करंट भी नहीं बचा है।
इनके सामने आए, वो पांच बार फ्यूज होगा, जनता ने रिजेक्ट कर दिया उनको, कोई आते पते नहीं लग रहा है। दो बार पटवाजी हरा चुके, दो बार शिवराज जी हरा चुके, लगातार हारने का रिकॉर्ड बना रहा। बनाओ तो बनाओ, हमारे बाप का क्या जा रहा है। आओ, आपका स्वागत है, हारने के लिए खड़ा होना तो होइए। कांग्रेस के तो आते पते लगते नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैंने कहा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पहले रामनाथ कोविंद जी अनुसूचित जाति के आते थे, उनको हमने राष्ट्रपति बनाया। ये नरेंद्र मोदी जी का भावना और ये है भारतीय जनता पार्टी। और अभी वर्तमान में संथाल आदिवासी प्रजा, आदिवासी जाति की हमारी बहन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, अगर राष्ट्रपति जैसे बड़े पद पे पहुंचाने का काम, पहली बार आजादी के बाद, देश की आजादी के बाद इतने बड़े पद पे कोई ने पहुंचाया, मुझे गर्व है हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री ने पहुंचाया, हमें इस बात का आनंद है। ये आदिवासी समाज कभी नहीं भूलेगा, कैसे भूल सकता है। कांग्रेस वोट लेती रही, हमेशा बेवकूफ बनाती रही, लेकिन चुनाव पे चुनाव, चुनाव पे चुनाव, 55 साल में 6, 7, 8 बार, 10 बार चुनाव हुए, लेकिन एक बार भी मौका नहीं देते, क्योंकि आपके मन में है ही नहीं कि हमारे आदिवासी समाज का कोई राष्ट्रपति बन सकता है। और तो और, ये तो इतनी गंदी सोच के हैं। अरे हमारे परिवार में से भी सब खेती किसानी वाले लोग हैं। अरे जो खेती किसानी करते हैं, सूरज नारायण उनपे चमकते तो